जैसा कि हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, चित्रकूट से राम भगवान प्रभु श्री राम की चरण पादुका आ पहुंची है। यहाँ पर हमारे साथ पुजारी जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो चित्रकूट से चरण पादुका के साथ आए हैं। महाराज जी, चित्रकूट से करनी पड़ जाएगी, चित्रकूट से चरण पादुका लेके आए हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या सज रही है, सवर रही है, क्या कहेंगे? ये काल का, अखंड काल का क्रम रहा है। जब राम का राज्याभिषेक पहले हुआ था तब भी अयोध्या संवरी थी, अब भी अयोध्या संवर रही है। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ ना, हर्ष सागर में डूबा अवध धाम रे, राजा बनकर विराजे प्रभु राम रे। ये रामलला की नगरी सजेगी संवरेगी केवल एक ही मन में भावना है, अब भविष्य में कोई संकट ना आए, जिसको बोलते हैं नजर उतारना। ये नजर उतरे राम के, भविष्य में संकट ना आए और अयोध्या विश्व की राजधानी बने। और केवल अयोध्या विश्व राजधानी में, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, वापस पूरा राम राज्य पूरे देश में आए, पूरी दुनिया में राम राज्य आए, ये कल्पना है। अयोध्या केवल अयोध्या नहीं है, अयोध्या एक प्रतीक है। ये राम का मंदिर भी केवल मंदिर नहीं है, राम का मंदिर एक प्रतीक है। अयोध्या नगरियों की प्रतीक है। हमारे यहाँ 7 नगरियाँ, उसमें अयोध्या सबसे पहले, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, उसमें भी अयोध्या। तो ये अयोध्या हमारी सरयू गंगा, ये सब प्रतीक है, ये सब प्रतीकों का सम्मान बना रहे, ये मन में भावना है। महाराज जी, रास्ते में आप अयोध्या आ रहे थे, क्या खुशी का माहौल था, कितना सहयोग मिला है लोगों का? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केवल देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, बाकी उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। रास्ते में जितना प्रेम मिला उसको व्यक्त करना हमारे हाथ में नहीं है। इस रास्ते में इतना, मतलब लोगों को इसलिए खुशी हो रही होगी, लेकिन रास्ते पर रोया हूँ मैं, परेशान रहा, बार बार गला भरता था, क्योंकि हजारों लाखों लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े और हमारी स्थिति रथ को रोकने के लायक नहीं थी। अगर हम रथ को रोकते तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और ये केवल यही नहीं देखा मैंने, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, पूना में, नांदेड़ में, जगह में, अलग अलग प्रांतों में जहाँ गए, वहाँ यही भावना थी। हमने जब अभी रथ प्रारंभ किया था तो हमको लगा नहीं था कि मतलब एकदम इस प्रकार का वातावरण मिलेगा, लेकिन वह तो जितना अयोध्या में उत्साह दिख रहा है, इससे ज़्यादा उत्साह मुझे प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में दिखा। आप आश्चर्य करेंगे, यहाँ तो मतलब मुझे लगता है कि 100 में से 10% मीडिया है, 10% कर्मचारी हैं, 20% दूसरे लोग हैं, फिर नेता लोग सब हैं, लेकिन वहाँ जो था वहाँ केवल आम जनता थी। और आम जनता में जितना उत्साह है उसको तो मतलब ये है ना, जिसने देखा वही समझ सकता, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो आपने अगर देखा होगा तो आप समझ पाएंगे। भारत भ्रमण करके रथ यात्रा अयोध्या लाके पहुंचे, क्या संदेश देंगे? संदेश कुछ नहीं, राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है, राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है। और राम के मंदिर का मतलब भारत का नव निर्माण है, ये भारत का नव निर्माण होने जा रहा है। क्योंकि हम तो एक बात कहते हैं, मंदिर टूटा हुआ था, जब जब देश गुलाम हुआ तब तब ही मंदिर टूटे। जब मंदिर टूटता है इसका मतलब देश गुलाम है, जब मंदिर बनते हैं इसका मतलब देश आजाद हो रहा है। तो देश आजाद राजनीतिक रूप से हो गया था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अब देश आजाद हो रहा है। ये जो भारत राम का मंदिर बन रहा है, जब गो हत्या रुकेगी, सारे काम हो जाएंगे, तो सांस्कृतिक रूप से देश पूरा आजाद हो जाएगा। जब जब देश गुलाम हुआ तब तब ही मंदिर टूटे। मंदिर और है राष्ट्र अलग कहने वाले सब झूठे। सोमनाथ, काशी, मथुरा और अवध ये कहती आई कि देश हुआ मंदिर, साथ बने और लूटे पीटे हैं भाई। मंदिर से परिलक्षित होता राष्ट्र का स्वाभिमान, राम के भक्त लुटाने लगे राम के भाई, थोड़ा उधर जय जय श्री राम, साथ में खड़ा भाई, चलता चलता राम भगवान की चरण पादुका को तब तक आप राम श्री राम तीर्थ छो सकेंगे। प्रश्न यार, ये कोई प्रश्न है? राम भगवान की चरण पादुका है, इसको श्री राम तीर्थ क्षेत्र में कब सौंपेंगे? अरे ये पूरा तीर्थ क्षेत्र नाम है, ये तीर्थ क्षेत्र जितना काम कर रहा है तो खाली तीर्थ क्षेत्र ही काम करेगा क्या? हम नहीं करेंगे प्रभु, मतलब जी राम जी ने अपना काम किया, राम जी ने अपना काम किया, हनुमान अपना काम करेंगे, सुग्रीव अपना काम करेंगे, और हम भी तो तीर्थ क्षेत्र हैं। तो मैं तो एक बात चाहूंगा कि इसके लिए अलग से कोई जगह बनेगी। एक हमारे मित्र हैं यहाँ पर, उन सबने तय किया है कि मंदिर को देंगे, लेकिन चरण पादुका कहाँ स्थापित की जाए? अयोध्या में स्पेशल स्थान बनना चाहिए भरत के प्रतीक के रूप में, तो वो भी हमारा विचार है कि ऐसा स्थान बने। तो हमारे साथ ये चित्रकूट से आए हुए महाराज जी, जो कि यहाँ पर चरण पादुका को लेके आए हैं।